ट्रैक इंस्पेक्शन करना ये जाहिर तौर पर जिम्मेदारी है वहाँ के जो लोकल रेलवे के कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ जिस तरीके से बाकायदा ट्रेन का एक जगह से जब दूसरी जगह एक स्टेशन से जब दूसरी स्टेशन पर ट्रेन जाती है तो उसके लिए बाकायदा ये देखा जाता है कि उसके बीच का ट्रैक सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और इसके लिए हर की जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में इस तरीके की लापरवाही अगर होती है कि ट्रैक धंस गया और उसके बाद ट्रेन हादसा हो जाता है, ये जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल खड़े करता है पिनाज, क्योंकि इससे पहले जो हादसे हुए हैं वो सिग्नल्स को लेकर हुए हैं कि फॉल्ट सिग्नल दे दिया गया या फिर जो रेलवे का गार्ड है उसने उस सिग्नल को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, फॉल्ट सिग्नल लेकर वो आगे चला गया, तो ये सारी चीजें तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अगर बाढ़ के पानी की वजह से ये हादसा हुआ है तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ आज से आ रही है, पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित है, जल जमाव कई जगह पर हो रहा है, नदियों का पानी कई इलाकों में घुस रहा है। ऐसे में अगर इस तरीके की स्थिति पिछले कई दिनों से बन रही थी तो क्यों इसे इसका इंस्पेक्शन सही तरीके से नहीं किया गया? बिल्कुल, यहाँ प्रथम दृष्टा सिग्नल फेल नहीं है, टेक्नोलॉजी फेल नहीं है, यहाँ पर ह्यूमन एरर जो है उसके चांसेस समझ नहीं आते हैं। अगर इंस्पेक्शन नहीं हुआ है ट्रैक्स का तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ विशाल भी, हमारे सहयोगी इस वक्त। विशाल, आप दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, क्या अपडेट आपके पास आ रहा है, हम आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जो रिलीफ ऑफिसर्स हैं उनको साइट पर भेजा हुआ है, स्पॉट पर भेजा हुआ है, और जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक SDRF और NDRF की जो टीम्स हैं जो पड़ोस के जिले हैं सिद्धार्थनगर, अयोध्या और इसके अलावा गोंडा से, सभी जगहों से SDRF और NDRF की जो टीम्स हैं वो स्पॉट पर पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अगले आधे घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो पुलिस के अधिकारियों हो, मौके पर पहुंचने के लिए क्या है और राहत और बचाव कार्य तेज किए जाएं इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और रिलीफ कमिश्नर ऑफिस बकायदा इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है जबकि 40 के करीब घायल बताए जा रहे हैं और 15 एम्बुलेंसेज इस समय स्पॉट पर मौजूद हैं, जो कि जानकारी रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से मिली है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो भी घायल हैं उन सभी लोगों को करीब करीब अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी ये चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कोच में कोई घायल व्यक्ति मौजूद हो, घायल परिवार मौजूद हो, तो इसके लिए जो ऑपरेशन है वो इस समय चलाया जा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगले आधे घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। गनीमत खाली इतनी थी कि ट्रेन की जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, यही वजह है कि जो हादसा बड़ा हो सकता था वो कम से कम बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन एक दुखद हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, जो कि लखनऊ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर हुआ है और 2 स्टेशन के बीच में हुआ। और जैसा कि अभी गौनिका कह रही थी कि अगर ट्रैक का इंस्पेक्शन सही ढंग से नहीं हो पाता है और बाढ़ का पानी अगर ट्रैक को डिस्टर्ब करता है तो ये अपने आप में रेलवे ऑफिशियल्स की एक बड़ी लापरवाही कम से कम प्रथम दृष्टया नजर आ रही है। ये बड़ी लापरवाही बड़ा चिंता का सबब भी है, क्योंकि यही एक इलाका नहीं, हिंदुस्तान का जुबाड़ की चपेट में है, ऐसे ना जाने कितने ट्रैक्स जो हैं वो इन इलाकों से गुजर रहे होंगे जहां पर बाढ़ है, तो ये हादसे कहीं और भी हो सकते हैं अगर वही वजह निकलकर सामने आती है। तो यहां पर अभी जो अपडेट हमारे पास विशाल ने दिया है, विशाल आप हमारे साथ लगातार बने रहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, SDRF NDRF की टीम जो है मौके पर रवाना है, रेस्क्यू ऑपरेशन अगले आधे से घंटे में खत्म कर लिया जाएगा, वहां पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुकी है, मेडिकल टीम भी, एम्बुलेंसेस भी पहुंच चुकी है।